हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर माई न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि लाइटरूम एप्लीकेशन से फ़ोटो को कैसे कलर करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस फ़ोटो को शेयर करना है, ठीक है, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोगों को इधर आना है, यहाँ पर आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन है इस पर शेयर कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग के पास लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देन अब आप लोगों को अपने फ़ोटो को निकाल लेना है, ठीक है, जो कि हमारा फ़ोटो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कलर वाले आइकन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन अब आप लोगों को यहाँ पर मिक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। देन मिक्स पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ये ऑरेंज वाला आइकन जो दिख रहे हैं, येल्लो कलर, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन आप लोगों को कुछ इसको इधर कर देना, ठीक है, 100 पे। देन इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने देना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। फिर आप लोग को ग्रीन वाला आइकन पे आना, ठीक है। देन इसको इधर करना है या तो फिर इसको इधर करना है, जो आप लोग को जो कलर अच्छा लगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। देन आप लोग को ये करना है या तो फिर मैं 3-4 कलर करके आप लोग को दिखाऊँगा, ठीक है। जो कलर आप लोग को अच्छा लगे आप लोग वही रखना। देन आप लोग को ये हो गया हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। देन अगर आप लोग को ग्रीन अच्छा लगे तो ग्रीन रख लेना, ठीक है। ये होगा ग्रीन कलर हमारा, ठीक है। देन अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा येल्लो टोन, ठीक है, येल्लो कलर हो गया, दूसरा कलर हो गया। देन आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको इधर कर देना है, ठीक है। देन इसको भी इधर कर देना है, ठीक है। देन ये हो गया हमारा तीसरा कलर, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट लग रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं करना है। देन आप लोग को दिखाने के लिए मैं बता रहा था, ठीक है। तो आप लोग को इधर करना है, ठीक है, या तो फिर आप लोग को जो कलर अच्छा लगे आप लोग वही रखना, ठीक है। देन अब इसको करना है इधर, इसको करना है इधर, ओके। देन अब आप लोग को करना है ब्लू टोन वाला सिलेक्ट, ठीक है। देन इसको कर लेना है इधर, इसको करना है इधर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पूरा हो जाने के बाद। अब आप लोग को आना है रेड वाला आइकन पे, जो कि हमारा लिप्स का है, ठीक है। देन इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। अगर आपका लिप्स ज़्यादा फीका लग रहा है तो ये कलर करके एडजस्ट करके आप लिप्स को थोड़ा कलर कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा फेस का कलर, ठीक है, ये फेस का कलर रहा। तो फेस थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। देन अब वाइट हमारा है, ठीक है, ज़्यादा वाइट करेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अब करना है आप लोग को यहाँ पे डन, ओके। ये हो जाने के बाद अब आप लोग का आना है यहाँ पे प्रोफाइल्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा प्रोफाइल्स, इस पर आना है। देन आप लोग को यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को आना है आर्टिस्ट पे, ठीक है, यहाँ पर आना है। देन आप लोग को इधर करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको इफेक्ट अच्छा लगे आप लोग वही सेलेक्ट कर लेना। देन मैं ये रेड वाला इफेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये रेड वाला इफेक्ट हो चुका हमारा, ठीक है। देन तो चलो मैं इसको हल्का रखता हूँ, ठीक है। देन ये हो जाने के बाद अब आप लोगों को करना है यहाँ पर डन। अब आप लोग देख सकते हो हमारा फ़ोटो का बिफोर आफ्टर, ठीक है, ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है जो कि, ठीक है। देन अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, फ़ोटो को शेयर करना है, ठीक है। शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो यहाँ पे सेव टू डिवाइस है, यहाँ पे क्लिक करना है, फ़ोटो ऑलरेडी गैलरी पे सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद फ़ोटो को फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देन आप लोग को यहाँ पर करना ओके, ये फ़ोटो हो चुका हमारा, ठीक है। अब आना आप लोगों को बैक, ठीक है। देन इस फ़ोटो को क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट दिख रहा है, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है इस फ़ोटो को, ठीक है। हाँ, डिलीट हो चुका हमारा फ़ोटो। अब लाना है उस फ़ोटो को, जो फ़ोटो हमने अभी कलर किया है, ठीक है, उस फ़ोटो को लाना है। तो हम यहाँ पे आ चुके अपनी गैलरी के अंदर, ठीक है, जो फ़ोटो हमने कलर किया था। देन आप लोग को उस फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आप लोग को यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, सेम प्रोसेस है, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देना है यहाँ पर फ़ोटो जो हमारा शेयर हो गया है, ठीक है। अब चलो मैं ओपन करता हूँ लाइटरूम को। तो गाइस, ये फ़ोटो हमारा आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फ़ोटो को ओपन करना है, ठीक है। देन अब आप लोग को कुछ करना नहीं है, ये कलर वाले आइकॉन दिख रहे हैं, ये कलर वाले आइकॉन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से वही प्रोसेस है, यहाँ पर मिक्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मिक्स पर आ जाने के बाद अब आप लोग को कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ग्रीन वाला आइकॉन सेलेक्ट करना है। देन इसको 0 कर लेना है, ठीक है। देन फिर येल्लो टोन को इसको भी 0 कर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर कर देना है, ठीक है, ये रहा हमारा फ़ोटो, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाने के बाद आप लोग आना फेस वाले कलर वाले आइकन पे, ठीक है। तो देन हम फेस का कलर करेंगे थोड़ा, ठीक है। देन आप लोग को इधर करना है,
देन इसको भी इधर करना है, ठीक है, थोड़ा ये हो जाएगा। अब आएंगे लिप्स वाले कलर आइकन पे, ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं फीका करता हूँ, लिप्स काफ़ी ज़्यादा रेड लग रहा है तो मैं थोड़ा इसको फीका करता हूँ, ठीक है। देन ये हो जाने के बाद अब आप लोगों को थोड़ा मैं इसको फीका कम करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा फेस का कलर ना जाए, तो मैं यहाँ पर पूरा कर दिया हूँ, ठीक है। देन ये हो जाने के बाद अब आप लोग को आना है यहाँ पे ग्लेंडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोग को दूसरा नंबर वाला आइकन को सिलेक्ट करना है, देन आप लोग को अब यहाँ पे कलर एडजस्ट करना है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पे हो जाने के बाद अब आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना है कलर को, ठीक है, तो यहाँ पर आप करते हैं डन, ओके। देन अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, फिर से सेम प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोफाइल्स पे आना है, ठीक है। प्रोफाइल्स आने के बाद अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ये रेड वाले आइकन दिख रहे हैं इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे करना है डन, ओके, डन हो जाएगा। देन अब आप लोगों को इस फोटो को शेयर करना है, ठीक है, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर शेयर टू है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, इस फोटो को शेयर करना आप लोग को स्नैपशीट के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग के पास स्नैपशीट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्नैपशीट के अंदर शेयर करता हूं फोटो को। शेयर हो जाने के बाद यहां टूल्स पे क्लिक करना, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पर क्रॉप पर आना है, ये क्रॉप दिख रहा है आप लोग को, ये क्रॉप पर आना है, इसको क्रॉप करना है, ठीक है, ताकि फ़ोटो हमारा अच्छा लगे। यहाँ पर फोटो हमारा जो काफ़ी अच्छा क्रॉप करके सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब आप लोग को यहाँ पर कर देना है डन, ये हो गया हमारा, ठीक है। देन आप लोग को आप आना है यहाँ पे डिटेल्स पे, ठीक है, डिटेल्स पे आने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 66 पॉइंट पे रखना आप लोग को, आप लोग को यहाँ पे करना है डन, ओके। देन आप लोग को अब यहाँ पे करना है इस अंडो वाले आइकन पे क्लिक, ठीक है, तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन आप लोग को अब आना है व्यू एडिट्स पे, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करना है, ओके। अब आप लोगों को यहाँ इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन अब आप लोगों को करना क्या है, इसको 100 बढ़ा लेना है, ठीक है, या तो फिर ऑलरेडी 100 रहेगा, देन आप लोगों को ये इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। देन आप लोगों को पता चले ताकि हमारा फ़ोटो हो रहा है कि नहीं, देन आप लोगों को इस तरह करके बैकग्राउंड पर पूरा चलाना है, ओके, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको पूरा करता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोगों को भी करना है आराम से, जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा हमारा बैकग्राउंड पे। तो चलो इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, पूरा यहाँ पर हो चुका है हमारा, ठीक है। देन आप लोग को अब करना है यहाँ पे डन, ओके। अब आप लोग को यहाँ से फिर बैक आ जाना, ओके, ये देख सकते हो अभी आप लोग हमारे फ़ोटो का बिफोर आफ्टर, एरा बिफोर, एरा आफ्टर, एरा बिफोर, एरा आफ्टर, जो कि थोड़ा स्मूथ टाइप का लग रहा है बैकग्राउंड, और इस पर जो हमारा बैकग्राउंड का थोड़ा इफेक्ट पड़ा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा बैकग्राउंड। देन आप लोग का करना क्या है, यहाँ पे डन, ओके, जो कि फ़ोटो हमारे गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है, तो करना है डन। तो ये रहा गाइस हमारा फ़ोटो, जो कि गैलरी पे सेव हो चुका है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड पे इफेक्ट पड़ा, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, मैं इसी तरह एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट, जय।